Now, we are going to discuss question number 16 of exercise 6.3. आपको यहाँ पे ए बी सी और पी की और दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन है और हमें बोला है इसकी मीडियन है ए डी और इसकी मीडियन है आपके पास पी एम और हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए डी अपॉन पी एम के बराबर होता है। सबसे पहले हमें गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर क्या है सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा बाय सी पी एस टी। ठीक है, अब हमने क्या करा है बी सी अपॉन क्यू आर है तो हम इसका हाफ कर लेंगे तो हाफ बी सी हाफ क्यू आर आ जाएगा। हाफ बी सी का मतलब बी डी हो गया, इसका मतलब क्यू एम हो गया और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर जो थे सिमिलर थे तो ये दोनों भी सी पी एस टी से आ जाएंगे। अब इसके बाद जब हमारे पास ये आ गए हैं दोनों तो इन छोटे वाले ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन बी डी का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बी डी अपॉन क्यू एम का रेशो बराबर आ गया और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर आ गया तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो देखो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा इसका रेशियो बाई सी पी एस टी जो हमें प्रूव करना था।